हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको 13 ऐसे बेस्ट अल्टरनेटिव बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हो। और ये सारे 13 अल्टरनेटिव जो हैं वो टॉप के हैं, मतलब गूगल एडसेंस के बाद इन्हीं का नाम आता है जिससे लोग काफ़ी अर्निंग कर रहे हैं। तो यार, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना? और चैनल पर नया आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसमें मैं आपको बेस्ट अल्टरनेटिव बताऊंगा गूगल के, तो इसका इस्तेमाल आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइजेशन के लिए कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वो इस पेज का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल एडसेंस टॉप 13 अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे ये पूरी लिस्ट है जिसमें मैंने आपको 13 अल्टरनेटिव बताए हैं। तो जैसे ही आप पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हैं पहला अल्टरनेटिव है media.net। इसका इस्तेमाल करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। सेकंड नंबर पे आता है तबोला, ये भी काफ़ी अच्छा एड नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तीसरे नंबर पर आता है इन्फो लिंक, ये भी एक काफ़ी अच्छा एड नेटवर्क है। फोर्थ नंबर पे आता है रिवेन्यू हिट, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने। फिफ्थ नंबर पे आता है पॉप एड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉप एड्स का मतलब आप सब जानते हैं। सिक्स नंबर पर आता है रन एटिव, सेवन्थ नंबर पे आता है MGID, एट नंबर पर आता है पॉप कैश, नाइन्थ नंबर पर आता है एड नाउ। नेटिव एडवर्टाइजिंग है ये, काफ़ी लोगों को पता है इसके बारे में। टेंथ नंबर पर आता है चिटिका, इलेवेंथ नंबर पर आता है रेफ कंटेंट, ट्वेल्थ नंबर पर आता है एड्स टेरा, एंड दोस्तों जो फाइनल है 13 वो है प्रोपेलर एड। तो ये हैं वो टॉप 13 एड नेटवर्क जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट पर गूगल एडसेंस के एड नहीं लग रहे तो आप इन एड नेटवर्क का यूज़ करके, गूगल के अलावा बाकी एड नेटवर्क का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो यार, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।